वेलकम बच्चों हमारे अगले सेशन में। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल से। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर टू इंक्रीज बाय 2%। रेडियस ऑफ अर्थ अगर 2% से इंक्रीज होता है, इट्स मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ विल। तो मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सर्फेस ऑफ अर्थ निकालना है। तो कैसे निकालूंगा देखो, हम समझते हैं इसको। तो बच्चों देखो, बहुत ही सिंपल है प्रॉब्लम। मुझे दिया है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वेयर डिक्रीज बाय 2%, 2% डिक्रीज किया, तो मैंने क्या किया, और मुझे कंपेयर करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। बच्चों आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अभी उसी बेस पर हम और एक तरीका यूज कर सकते हैं डेरिवेट करने का प्रॉब्लम को। कैसे, दोनों तरफ लॉग लिया मैंने, लॉग लेकर क्या किया, लॉग जी इज इक्वल टू लॉग जी एम माइनस टू टाइम्स लॉगर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो मैंने डायरेक्ट सेंटेंस बोला बच्चों, ये 1/r² यानी माइनस टू लॉग आर, ओके। अब क्या किया, दोनों तरफ डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू जी, यानी 1/g हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टू, ये तो कॉन्स्टेंट है जी और एम, कैपिटल जी एम, इनका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। आने के बाद यहां देखो, ये जो टर्म है मेरा क्या लिखा है, 1/r इंटू डी आर बाई डी जी हो जाएगा, r का भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जी लेना पड़ेगा मुझे। इसके बाद डी जी को इधर भेज, ये जो इधर डिवीजन में ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा डी जी बाई जी। अब मुझे ये वही बोला है कि इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है डी जी बाई जी, तो माइनस टू इंटू डी आर बाई आर, मुझे क्या दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज बाय 2%, यानी माइनस 2%, बराबर माइनस 2% हुआ। बच्चों ये डी आर का मीनिंग क्या बताता हूं, फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस, ये इसका मतलब है डी आर बाय आर, ओके। रिमेंबर दिस, जो मैंने लिखा है, आगे के थोड़े से लेवल ज्यादा रहेंगे न्यूमेरिकल में तो वहां आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस टू पुट किया तो मुझे माइनस माइनस प्लस 4%, यानी इंक्रीज बाय 4%, यहां प्लस वैल्यू आई। याद रखो अगर यहां होता कि अर्थवेयर डिक्रीज की जगह इंक्रीज होता तो यहां पर प्लस वैल्यू आती और आंसर माइनस टू होता, यहां माइनस टू आता आंसर, या आंसर मेरा यहां इंक्रीज होता तो यहां प्लस आता, प्लस इंटू माइनस माइनस होता और यहां पर डिक्रीज आता, याद रखो, ठीक है। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अर्थ रोटेशन अबाउट एन ओन एक्सिस इज ओमेगा, व्हेन इट्स एंगुलर वेलो स्पीड इज इंक्रीज्ड टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल एंगुलर स्पीड, ओरिजिनल स्पीड के एन टाइम्स कर दिया इसको, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर बिकम्स जीरो। अगर उसको एन टाइम्स कर दिया तब क्या हो रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर विल बिकम जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझो, ठीक है, मैं बोर्ड पे आंसर लिख के आपको समझा सकता हूं। देखो एंगुलर स्पीड अभी जैसे पहले ओमेगा थी, उसके बाद एन टाइम्स हो गई, मेरे हाथ की स्पीड देखो एन टाइम्स हो गई, इसका मतलब क्या है, अब एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर बिकम जीरो, तो अभी जितना ओमेगा है उससे कितना गुना बढ़ाया कि यहां पर जो है उसकी जी जी की वैल्यू एट इक्वेटर जो है वो जीरो हो गई, मतलब वेटलेस फील हो रहा है। हमने एक प्रॉब्लम किया था उसमें देखा कि बाहर फेंकने वाला फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी चाहिए, तो इस केस में द रेडियस आर ऑफ इक्वेटर की रेडियस आर की वैल्यू दी हुई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, मुझे एन क्या मिलेगा वो निकालना है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है जी डैश, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है, यहां पर कॉस स्क्वायर लैम्डा। नाउ यहां दिया कि एट इक्वेटर, यहां इक्वेटर की बात हुई है, कहा गया इक्वेटर वर्ड इक्वेटर, इक्वेटर की बात हुई, इक्वेटर पर लैम्डा जो होता है वो जीरो होता है, इक्वेटर पर ये जो एंगल है लैम्डा वो जीरो होता है, तो मैंने जीरो पुट कर दिया, ये फॉर्मूला मिल गया। नाउ व्हेन इसने बोला कि जब ओमेगा इक्वल टू एन ओमेगा होगा तो बॉडी को वेट, बॉडी को जी फील ही नहीं होगा, यानी नेट जो मेरा जी डैश है वो जीरो हो गया, बराबर। तो ये जो फॉर्मूला यहां पर देखो, ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था एट इक्वेटर वाला, उसमें जी डैश की वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दिया, जी माइनस आर, और ओमेगा मेरा क्या हो गया एन टाइम्स ओमेगा यहां पर पुट किया, तो मुझे क्या मिला यहां से आर इंटू एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एन स्क्वायर को इधर रख के जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर, और रूट को ट्रांसफर करो अंडर रूट जी बाय आर इंटू वन बाय ओमेगा रूट के बाहर,
तो ये तुम्हारा टर्म आएगा, ठीक है। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम में दिया है कि इन ऑर्डर टू मेक द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इक्वल टू जीरो, यानी ये जो सेंटेंस है इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g डैश को जीरो करने के लिए द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ शुड बी कितना चाहिए, ओमेगा कितना होना चाहिए। तो देखो सिंपल है मेरे पास, तो बच्चों यहां पर सॉल्यूशन इस तरीके से कि मुझे दिया है इन ऑर्डर टू मेक द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर इक्वल टू जीरो, तो इक्वेटर पे मुझे उसको जीरो करना है। इक्वेटर पे मुझे पता है लैम्डा, इक्वेटर पे जो लैम्डा है ये एंगल लैटिट्यूड एंगल ये जीरो होता है, कॉस जीरो वन, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी डैश को जीरो करना है तो उस वक्त ओमेगा निकालना है। तो क्या किया, डायरेक्टली इसको शिफ्ट किया, ओमेगा इज अंडर रूट जी बाय आर, जी की वैल्यू 10 पुट की जो कि मुझे बोला यहाँ पर सब्सिट्यूट करो 10 और 6400 इसकी वैल्यू निकाली, सॉल्व करोगे 1/800 रेडियन पर सेकंड आएगा। ओके, इसका सॉल्यूशन है। तो लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। बच्चों बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, द एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। उसको वेटलेसनेस क्यों फील होती है बच्चों, याद रखो ये आप हमेशा ध्यान में रखो, आपको पता होगा ये बात कि वेटलेसनेस की फीलिंग जो आती है वो तभी आती है जब हम एक्शन हर जगह लगा रहे। देखो मैं यहाँ हूँ, मेरे हाथ ने अभी हवा पे एक्शन लगाया, ठीक है, तो रिएक्शन में मेरे हाथ ने भी फोर्स लगाया, मुझे फील होता है वो हवा, ऐसा हाथ घुमा जोर से आपको फील होती है हवा, बाइक पे भी हो तो हवा फील होगी। तो आप जमीन पे एक्शन लगाते हो, जमीन के मॉलिक्यूल्स रिजिड होते हैं, वो मूव नहीं होते। तो क्या होता है, मैंने जमीन पे एक्शन लगाया तो जमीन ने क्या किया, जमीन के मॉलिक्यूल्स ने उतना ही मुझे रिएक्शन दिया। पर बच्चों सिमिलरली अभी ये स्टेशनरी, लैंड स्टेशनरी है, पर अगर जमीन भी उसी स्पीड से जा रहा है जितने स्पीड से मैं जा रहा हूं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एक्शन रिएक्शन पेयर बनना चाहिए तभी वेट फील होता है। देखो मैंने तुरंत डायलॉग चेंज कर दिया कि क्या किया, एक्शन रिएक्शन पेयर बनने चाहिए, मतलब मैंने एक्शन लगाया तो मुझे रिएक्शन भी उतना ही मिलना चाहिए। अगर रिएक्शन थोड़ा भी कम हो गया तो वेट बॉडी पे फील होना कम हो जाएगा। तो वहां एक्चुअली होता क्या है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट इज जीरो, गलत, ठीक है, वो जो सैटेलाइट में घूम रहा है ना अंदर एस्ट्रोनॉट उस पर ये कभी जीरो नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन हो सकता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी जीरो नहीं होता। बच्चों मैं यहाँ बैठा हूँ ना जुपिटर पे, जुपिटर से भी मुझ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो कभी भी जीरो नहीं होता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज जीरो ना, द एस्ट्रोनॉट ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता है ना, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता होगा, ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, पर वो क्योंकि गोल घूम रहा है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इट इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। द फ्लोर ऑफ ये वाला लास्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा इसका, द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट प्रोड्यूस एनी रिएक्शन ऑन द एस्ट्रोनॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तुम लिफ्ट पे हो, अगर कोई आदमी लिफ्ट पर है और अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रही है नीचे की तरफ आ रही है अचानक ही, या प्लेन है फाइटर प्लेन अगर अचानक फ्रीली फॉल हो रहा है नीचे, तो वहां पर बैठने वाले पैसेंजर्स को वेटलेस फील होता है। आपने देखा होगा एक शिप होता है जिसमें मुझे लगता है 2 या 3 लाख रुपए उसका टिकट है कुछ, तभी आपको जस्ट वो हर बार 20 सेकंड से 30 सेकंड के लिए ना वो प्लेन ऊपर जाता है हाइट पर और फिर फ्री फॉल करता है, तो वहाँ ग्रेविटी जीरो ग्रेविटी फील कर सकते हैं वहां पर। ओके, तो ये इसका सोल्यूशन है। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। बच्चों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में वो घूम रहा है तो उसमें टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्ट नहीं होगा, तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जब तुम जीरो पुट करोगे 1/0 ∞, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। अगला प्रॉब्लम भी इजी है, व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ वर्ड। बच्चों जब भी लिफ्ट के प्रॉब्लम आते हैं ना ये वर्ड हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आंसर डायरेक्ट आता है अपना, द वेट ऑफ मैन रिकॉर्डेड बाय द वेइंग मशीन इज 70 kg, ठीक है, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही थी अप, ठीक है। नाउ इफ द सेम लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग डाउन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 m/s, अब उसका डिसेंडिंग का जो स्पीड था वो भी यूनिफॉर्म है, तो वेट ऑफ द मैन रिकॉर्डेड बाय द वेट। बच्चों जब भी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है ना तो बॉडी को जो रिएक्शन फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो बदलता नहीं है, याद रखो, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड
न्यूटन का फर्स्ट लॉ, बॉडी ट्राइज टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे कुछ भी नहीं लग रहा है इसका मतलब, और फोर्स लग ही नहीं रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब वो खुद का ही वेइंग मशीन पे फोर्स लगा रही है, और दैट इज इक्वल टू टोटल वेट, यानी 70 केजी ही होगा। ओके, लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट विच इज जियो स्टेशनरी। बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पहले पता कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूं, आपको पता होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अगर ये अर्थ है मेरा, तो अर्थ ऐसा घूम रहा है, अगर ऐसा घूम रहा है अर्थ, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करता है, ये अर्थ है ना मेरा, तो एक बार लॉन्च कर दिया तो अर्थ के साथ साथ ही गोल घूमता है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी अर्थ के समान ही होता है। और जैसे भारत का अभी वो नाविक सिस्टम निकला है, वो ज्यादा इफेक्टिव है जीपीएस से भी, ठीक है। तो ये कैसे, हमारे सैटेलाइट जो है ये हमारे ही भारत के ऊपर, मतलब यहां से मैं सैटेलाइट देख पाऊंगा अगर क्लियर स्काई हो तो वो कैसा है, ये बराबर जब भी ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो ये वाला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये क्या होता है, अर्थ के साथ साथ गोल घूमता है, मतलब मैं अर्थ हूं सपोज, तो सैटेलाइट आ गया लॉन्च करके ऊपर, तो ये ऐसा ही रहेगा हमेशा ऊपर, ये घूमेगा लेकिन इसकी स्पीड बराबर सिंक्रोनाइज होगी अर्थ के रोटेशन के साथ, ठीक है। तो और अगर मुझे जासूसी करनी हर देश के ऊपर, तो इसको ऐसा मत घुमाओ, इसको ऐसा घुमाओ, तो क्या करेगा ये, दो दो तीन तीन घंटे के लिए एक एक देश पे रहेगा, हम उसके एक्टिविटी पे नजर रख सकते हैं। सैटेलाइट विच इज जियो स्टेशनरी इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज टेकन टू अनदर ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट में लेके गए इसको, द डिस्टेंस ऑफ विच इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्लियर ऑर्बिट, पुराने ऑर्बिट के अब वो डबल है, द पीरियडिक टाइम ऑफ द सैटेलाइट इन सेकेंड ऑर्बिट इज, पहले ऑर्बिट में क्या था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ले लो, बराबर। अब द पीरियडिक टाइम ऑफ द सैटेलाइट इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में क्या किया, मेरा टी डैश स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, मैं यहां पर लेता हूं टी वन लेता हूं नया, तो इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या किया, द डिस्टेंस ऑफ विच इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्लियर वन, दो गुना किया, तो टू टाइम्स ये किया। ओके, रेशियो लेके सॉल्व करते हैं हम। तो बच्चों हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से है, हमने यहां पर रेशियो निकाल लिया था टी वन, ये मुझे निकालना है, तो टी वन बाय टी स्क्वायर का रेशियो लेते हैं, टी वन बाय टी स्क्वायर का रेशियो लिया, ट्वाइस आर बाय आर का होल क्यूब, इसमें से मुझे धीरे धीरे सॉल्व करके आगे गया, ये आप कर सकते हो, मुझे मिला 48√2 hours। ओके, ये मेरा आंसर हो गया। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। बच्चों देखो अगले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, वेयर शुड अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट बी इंस्टॉल्ड, तो एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, नहीं, ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल, नहीं, ओवर एनी सिटी ऑन द इक्वेटर, बराबर, इक्वेटर पे किसी सिटी के ऊपर इसको इंस्टॉल कर दो, और वो सिटी के बराबर ऊपर, वहां से वो डायरेक्ट दिखेगा, ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है, ये सिटी है तो सिटी के ऊपर से ऐसा घूमते रहेगा, ठीक है, और एट हाइट आर अबाउट द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ओके, लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट व्हाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ स्पेसशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन, फ्री फॉल टूवर्ड द अर्थ, इनर्शिया और जीरो ग्रेविटी। तो यहां पर फ्री फॉल टूवर्ड द अर्थ, ओके, ये भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, जीरो ग्रेविटी नहीं, फ्री फॉल टूवर्ड द अर्थ, ये इसका आंसर है। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। बच्चों दिया, व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ MRGNT, ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ MRNG, ठीक है, तो ये T इज लेंथ ऑफ द डे एंड अदर सिंबल है, यूजर मीनिंग निकालना है मुझे, तो देखो मैं निकाल के बताता हूं। तो बच्चों इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में क्या है, देखो टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब वो सैटेलाइट मेरा एक रिवॉल्यूशन घूम रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन में उसने डिस्टेंस 2π r कवर किया, स्मॉल r इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि r प्लस उसकी हाइट h, ओके, तो अभी यहां पर 2π r बाय और वेलोसिटी v सी, क्रिटिकल वेलोसिटी उस ऑर्बिट में, √gm/r, ठीक है, अब क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π r² ये r स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, gm/r ऊपर जाएगा, r क्यूब मल्टीप्लाई होगा, अब मुझे r चाहिए, यहां पर उसने बोला ही है स्पेसिफिकली कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मुझे हाइट निकालना है, मतलब पहले मैं ऑर्बिट का रेडियस निकाल लेता हूं, ऑर्बिट का रेडियस मिला कि उसमें से रेडियस ऑफ अर्थ माइनस कर दो, हाइट मिल जाएगा, तो क्या किया, इसमें से मैंने r³ को एक तरफ रख के बाकी सब टर्म इधर किया, t² gm/4π r² 4π² इसका
क्यूब रूट कर दिया, ये क्यूब को उधर भेजा, क्यूब रूट हो गया। डायरेक्ट स्टेप है बच्चों, यहां पर मैंने लिखा डायरेक्ट स्टेप, तो क्या हुआ, मेरा स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच, तो मुझे क्या मिला यहां पर, एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी एम फोर पाई क्यूब टू द पावर 1/3 माइनस आर। यहां पर मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक था, यहां पर पहले ओमेगा ओमेगा लिखा हुआ था, सॉरी ओमेगा ओमेगा लिखा हुआ था, उसको कट करके मैंने 4 पाई आर स्क्वायर किया है, तो दिस इज दी ये आर, तो इधर जाके माइनस आर होगा, ठीक है। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर होगा, यहां पर माइनस चाहिए, यहां प्लस है यहां पर, तो यहां माइनस चाहिए यहां पर सिंबल, ओके ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, इट्स एंगुलर स्पीड अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज ओमेगा, एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा रहेगा, ये सिंबल, ठीक है ओमेगा, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सर्फेस इज जी, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो हम सिंपल चीज यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वीसी का, ठीक है यहां से स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे, कैसे करेंगे हमें भी देखते हैं। बच्चों देखो ये सॉल्यूशन सेम, टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्रिटिकल स्पीड है अंडर रूट जीएम बाय आर, ठीक है, वो एट हाइट एच पे रोटेट, वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द अर्थ, तो स्मॉल आर लिखा। अब जीएम मुझे पता है कि जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो जीएम की जगह दिस इज ऑन अर्थ सर्फेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सर्फेस इज जीएम अपॉन आर स्क्वायर, मुझे पता है। फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में देखो आर जी ओमेगा ऐसे टर्म्स है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो मेरे पास है 2π/T इज इक्वल टू ओमेगा, तो 2π/ω इज टी, यहां 2π/ω पुट किया और 2π√ जी आर स्क्वायर बाय आर, जीएम की जगह जी आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया बाय आर, टर्म्स को रीअरेंज किया, ठीक है 1/ω 2π कैंसिल हो गया, आर बाय अंडर रूट जी आर बाय आर, जी आर स्क्वायर बाय आर, दोनों तरफ स्क्वायर लिया और मुझे आर चाहिए था, सिर्फ आर को एक साइड अरेंज किया तो मुझे स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म क्यूब रूट के अंदर मिल गई, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मेड टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, इन डिफरेंट रेडियस अराउंड द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये दिया हुआ है, इन डिफरेंट ऑर्बिट इज शोन इन द फिगर। तो अब इसमें कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले मैं बोर्ड पे लिख लेता हूं। तो बच्चों ये देखो, मैंने इसके पहले वाले इसमें बताया था, काइनेटिक एनर्जी हाफ जीएम बाय हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी, उस वक्त तो गोल घूम रहा होगा क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो क्रिटिकल वेलोसिटी उसका अंडर रूट जीएम बाय आर है, तो रूट हट जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जीएमएम बाय आर, ठीक है, और टोटल एनर्जी इन दोनों का एडिशन करो तो -1/2 जीएमएम बाय आर आएगा, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो टोटल एनर्जी 2 times पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अब यहां क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं मुझे, उन ऑप्शन में पहला ए रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड ए रिप्रेजेंट, अब कौन किस चीज को दिखा रहा है बच्चों, यह ध्यान दो इन तीनों में काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती और जीरो कभी नहीं हो सकती, याद रखो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती और जीरो नहीं होती, क्योंकि वो गोल घूम रहा है सैटेलाइट, वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, तो मेरा सी जो है वो काइनेटिक एनर्जी दिखा रहा है, ये श्योर हो गया, ओके। अब देखो बी और ए, तुम्हारी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, यानी नेगेटिव की तरफ है। अब जैसे जैसे इसमें ए देखो, यहां पर टोटल एनर्जी इज 2 times पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहां से क्या मिला, टोटल एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी, ये मिल गया। और देखो मेरा टोटल एनर्जी कम है, तो बी मेरा टोटल एनर्जी हो गया और ए मेरा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये ऑप्शंस रंबल हो गए इधर, डोंट वरी अबाउट इट, ग्राफ को समझो सिर्फ, ठीक है करेक्ट आंसर। तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, ओके ठीक है। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम मोस्ट क्लोजली शोज द वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी, वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ एज इट मूव्स वंस राउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। बच्चों अगर यहां सन है, यहां सन है, मैं डायग्राम यहां बनाता हूं, देखो यहां सन है
और अर्थ इलिप्स में घूम रही है अगर ऐसा, तो यहां पर स्पीड जो है ज्यादा होगी और यहां पर स्पीड कम होगी, ठीक है। तो क्या होगा, एक ध्यान में रखो, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। तो काइनेटिक एनर्जी ये देखो जीरो दिखाई यहां पर और यहां जीरो दिखाई है, ये दोनों कैंसिल आउट। काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब ये जो अर्थ है मेरा वो अर्थ रुक गया ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट भी नहीं है, क्योंकि देखो अगर कांस्टेंट रही तो वो यहां से स्पीड जो है, काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करता है, बराबर। अब यहां से वो अगर स्लो जाएगा तो उसी स्लो स्पीड से यहां से नहीं जा सकता है। देखो यहां पर कैसा है, यहां पर स्पीड फास्ट रहेगी और फिर मेरे हाथ का मोशन देखो आप, यानी क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो उसकी मीन वहां से पहले बढ़ेगी फिर घटेगी कम जाएगी। देखो पहले बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी और फिर घट, मतलब कैसा होगा ये बढ़ेगी घटेगी, अल्टरनेट होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा फिर थोड़ा सा कम होगा, इस तरीके से चलेगा वो, याद रखो। तो इसका डी ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका जीएम अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला है एट डेप्थ, ये है 1 माइनस डी बाय आर, ठीक है, जी टाइम्स, और एट हाइट एच, कम हाइट अगर है तो जी इंटू 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर, ये है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे पास है। अब मोस्ट करेक्ट रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, तो देखो ग्राफ पहले समझो, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, इससे आगे जा रहा है और फिर आर पर पहुंचे, तो आर पर जो वैल्यू है, ठीक है, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती है ना, एट रेडियस आर, अर्थ के सेंटर से तुम ऊपर ऊपर जा रहे हो और रेडियस आर पे पहुंच गए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो ये दोनों ग्राफ हटा दो। अब ये देखते हैं, इसके राइट हैंड साइड का कर्व जाते वक्त जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, तो ऐसा कर्व आएगा, ये दोनों सही है, ये दोनों के राइट पार्ट सही है। अब इधर वाला पार्ट चेक करते हैं, एक है स्ट्रेट लाइन और एक है कर्व। तो देखो जब मैं जीरो और आर के बीच में हूं, सेंटर और रेडियस ऑफ अर्थ के बीच में हूं, तो डेप्थ पर हूं और डेप्थ पर एट डेप्थ इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। तुम्हारा डेप्थ जैसे जैसे कम होगा, डेप्थ जैसे जैसे कम कम होती जाएगा डेप्थ, यानी तुम ऊपर की तरफ जाओगे डेप्थ कम होगा, तो जीडी जो है वो क्या होगा, तुम्हारा रेडियस देखो आर बाय, यहां पर क्या दिख रहा है, रेडियस के साथ रिलेशन देखो इसका, ठीक है, डी बाय आर, तो यहां लीनियर रिलेशन है बेसिकली, मैं डायरेक्टली बोलता हूं यहां लीनियर रिलेशन है, ज्यादा समझाने में जाने से अच्छा है, ठीक है, क्योंकि डेप्थ जो है डी, ये देखो डी इज इक्वल टू आर माइनस आर है, कैसे, ये अर्थ, ये मेरा डेप्थ, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो डी कैपिटल आर यहां पर पुट करो, 1 माइनस स्मॉल डी की जगह कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाय आर, तो यहां पर क्या होगा, तुम्हारा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर बचेगा, सिर्फ ये पूरा करोगे तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर ही बचेगा, यानी तुम्हारा जी डी इज इक्वल टू जी इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो ये जो रेडियस है उसे डायरेक्ट रिलेशन है, यानी लीनियरली जाएगा ये, ओके, ये कॉन्स्टेंट है ना, रेडियस ऑफ अर्थ भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, तो जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो मैं इसलिए ज्यादा समझाने में नहीं जा रहा था, टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, तो ये हमारा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, ओके। लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम, बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसका ग्राफ याद कर लो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, इसका ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन कर्व। हम यहां पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, अगले सेशन में आगे के प्रॉब्लम देखेंगे, बाय बाय।